स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन. स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर 27th लेक्चर. ओपन योर ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश बुक, पेज नंबर 12, पार्ट 2. चूज शुड और मस्ट. हमने ये सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं और उसमें हमने शुड और मस्ट का यूज़ करना है. शुड का मतलब है चाहिए, मस्ट का मतलब है लाजमी. मस्ट का क्या मतलब है? लाजमी. शुड का मतलब है चाहिए. योर टीचर सेड यू मस्ट बाय एन एंट्री टिकट एट द पार्किंग पार्क एंट्रेंस. टीचर ने क्या कहा कि तुम्हें जो है लाजमी जो है क्या करना चाहिए, एंट्री टिकट खरीदनी चाहिए. पार्क की एंट्रेंस टिकट जो होती है वो लाजमी खरीदनी चाहिए. आई थिंक यू शुड कैरी अ रेन कोट विथ यू. रिमेंबर यू मस्ट फॉलो द गाइड्स इंस्ट्रक्शंस. आई थिंक यू शुड पैक अ वाटर बॉटल इन योर बैग. डोंट फॉरगेट यू मस्ट टेक योर लीटर अवे विद यू. यहाँ पे लीटर का मतलब है कूड़ा, ठीक है, कचरा जो होता है, कूड़ा कचरा होता है ना, उसका मतलब यहाँ पे लीटर का मतलब है, ठीक है. आई थिंक यू शुड टेक योर मोबाइल विद यू व्हेन यू गो वॉकिंग. के मेरा ख्याल है तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें अपना मोबाइल अपने साथ रखना चाहिए जब तुम वॉकिंग के लिए जाओ. पार्ट 3. चूज शुड नॉट और मस्ट नॉट. हमने इन दोनों का यूज़ करना है. मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया था, यहाँ पर हमने नॉट का साथ यूज़ कर लिया है. और वैसे मस्ट का मतलब है लाजमी, शुड का मतलब है चाहिए. यू मस्ट नॉट लीव लीचर एनीवेयर. लीचर का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, कचरा कूड़ा, ठीक है. यू शुड नॉट ड्रिंक वाटर फ्रॉम द स्ट्रीम. स्ट्रीम्स कहते हैं नदी को. You must not pick any flowers in a national park. You must not light fires. You should not climb cliffs. Cliffs का मतलब है चट्टाने, के इसका मतलब है आपको चट्टानों पर नहीं चढ़ना चाहिए. You must not light fires. के फायर्स मतलब लाइट्स जो है, आग जो है वो नहीं लगानी चाहिए. स्टूडेंट्स, आपने शुड और मस्ट का और शुड नॉट मस्ट का यूज़ करके इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है. आपने सेंटेंसेस यहाँ इसी फिलिंग दी ब्लैंक्स जो हैं आपने बुक पे ही राइट करनी है. पेज नंबर 12 है आपका, ठीक है. स्टूडेंट्स, आपको बताना चाहिए मस्ट का मतलब क्या है और शुड का मतलब क्या है. मस्ट का मतलब है लाजमी, शुड का मतलब है चाहिए. स्टूडेंट्स, आपने ये लिखना भी है और इसको याद भी करना है, ठीक है.